ये लगा कि ना तीन बार उठा चुके हैं, तीन बार ये उठाते हैं तो मैं उठ जाती हूँ, उठने बाद मैं फिर से सो जाती हूँ और फिर उठ जाती हूँ। तो अभी तो मैं जा रही हूँ सहरी करने के लिए। ये रमज़ान पापा के बिना मनाने वाली रमज़ान है। हर बार पापा ही उठाते थे, हम लोग सोए रहते थे और ना वो उठाते थे हम लोग को, हम लोग उठा उठ के फिर सो जाते थे। पापा कहते देखो टाइम ख़त्म हो रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है। अब ना पापा है ना वो खुशी है ना, फिर उठाते तो हैं मज़े से भी, लेकिन वो बात नहीं ना जो मेरे पापा उठाते थे। वो एंड तक हम लोग को देखो टाइम ख़त्म हो रहा है, देखो 5 मिनट बच गया, देखो 2 मिनट बच गया, कमेंट्री करते रहते थे। इस रमज़ान में किसके किसके पापा नहीं हैं कमेंट करिएगा। तो तरावी पढ़ के लोग आए थे, तो अंजुमन इस्लामी हॉल में कर रहे हैं तरावी, तो वहाँ से ना सब्जी बाग के पास रास्ते में पड़ता है पिस्ता हाउस, तो मेरे लिए ना वहीं से आया है। मतलब कि था खाना ही था, लेकिन आने में लेट हो गया था, उसको मैं शहरी में खा रही हूँ। ये देखिए उसका बिल पता है। वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और वो तो ना पटना में खुला है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खुला है पिस्ता हाउस, वो ईरान इराक जो है वहीं का फ्रेंचाइजी है। और यहाँ पे ना एक मंडी या मंदी पता नहीं क्या है, वहाँ पे ना एक बहुत बड़ी सी थाल होती है, उसमें इतना खाना होता है वैसे एक बर्फ, और उसमें बहुत सारे लोग मिल के खाते हैं चारों तरफ से। तो मेरे लिए वहीं से आया है ये वाला बिल, इतना बारीक है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं इसको बाद में पढ़ के बताऊँगी। उसके बारे में और भी जानकारी हो सका तो वीडियो नहीं बनाया वहाँ पर, क्योंकि मैं तो गई नहीं थी, जो गया था उसको बोला वीडियो हमको नहीं बनाना है वहाँ पर। तो वैसे भी लोग मेरे वीडियो बनाना चिढ़ते हैं, या पता ही आप लोगों को यूट्यूबर का हालत कि कोई वीडियो बनाने देता ही नहीं है। तो मैं जा रही हूँ, देखिए क्या क्या आया वहाँ से। ये रहा पैकेट, तो आमतौर पर रेस्टोरेंट बंद हो आता है, लेकिन चूंकि रमज़ान का टाइम है ना तो 12 बजे तक खुला हुआ था। तो देखिए क्या क्या आया है वहाँ से। ये देखिए इसके रैपर में लिखा है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके रैपर पर मुझे मिल गई है जो मैं पढ़ दे रही हूँ। देखिए आपको बहुत उल्टा नज़र आ रहा होगा, पिस्ता हाउस एन ISO कुछ है इसका लिखा हुआ कोड, सर्टिफाइड कंपनी, ये इंडिया USA UAE कतर और ओमान का है। ये मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, इसमें ये बेकरी भी है, बेकरी स्नैक्स एंड फूड कोर्ट सब है इसके अंदर। तो ये जो है मुझे थोड़ी सी मिल गई, देखिए देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, मुझे इसके बारे में जानकारी ज़्यादा थी नहीं। और यहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह भी लिखा हुआ है इसके बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई जो मैं खाने के बाद पढ़ूंगी। ये रेस्टोरेंट है SP वर्मा रोड में, और इसके बहुत सारे क्या क्या लिखा हुआ है, डज नॉट कंटेन प्लास्टिक, यानी कि पता है ये प्लास्टिक नहीं है, थोड़ा कपड़ा टाइप का भी लग रहा, प्लास्टिक का फीलिंग आ रहा है। मैं इसकी प्लास्टिक रख दे रही संभाल के, क्योंकि इसमें बहुत सारी है इंफॉर्मेशन जो मैं पढ़ने के बाद फेंकूंगी। ये मैंने रख दिया है, और अब इसमें क्या है जी, इसमें भी तो कुछ मसाले दिए गए हैं लगता है, कि पता नहीं क्या है, तो खोलने के बाद पता चलेगा। इसमें सौंफ है, देखिए माउथ फ्रेशनर है, सौंफ है जो रेस्टोरेंट पे मिलता है, वो हो गया। तो मैं खोल रही हूँ इसके अंदर से क्या निकलता है। वाह, इसके अंदर से निकला है कितना अच्छा पराठा, ओ माय गॉड कितना बड़ा, इसमें से काटा हुआ इतना बड़ा है, ये देखिए
इतना बड़ा सा पराठा, कितना बड़ा साइज का है। और ये तो हो गया पराठा, और ये हो गई इसमें सब्जी, इसके पैकेट पे भी पिस्ता हाउस लिखा हुआ है, सील किया हुआ है। मैं आती हूँ चाकू लेके काटने के लिए। तो ये जो है ये इसकी सब्जी रखी है, पनीर की सब्जी। ओह माय गॉड, मैंने सहरी कर ली है, 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में बहुत सारा मैं खा सकती हूँ। आज है रमज़ान की चौथी सहरी है, 4 रोज़ा हो चुका, कितने जल्दी टाइम बीत रहा है। अभी रमज़ान स्टार्ट भी नहीं होता कि 4 दिन बीत भी गया। तो ये जो अंदर अंजुमन इस्लामिया में तरावी कर रहे हैं, पता है वो तरावी नहीं बताई आपको कि 6 दिन वाली तरावी है। तो उस 6 दिन में से ना फर्स्ट डे मतलब रमज़ान के पहले दिन से स्टार्ट हुई थी, जिस दिन चाँद निकला, जिस दिन से रोज़ा स्टार्ट हुआ, उस दिन से स्टार्ट हुई है तरावी। तो पहले दिन 6 पारा पढ़ाया, और दूसरे दिन भी 6 पारा, तीसरे दिन भी 6 पारा, और आज जो है उन्होंने 5 पारा पढ़ाया। और उसमें क्या है कि सूरह यासीन वो धीरे से पढ़ाते हैं, टाइम लगभग उतना ही लग जा रहा है। तो 25 पारा कम्प्लीट हो गया है आज, अब सिर्फ 2 दिन बचा है, संडे को तो ख़त्म तरावी है। अरे मैंने गलती से 25 बोल दिया, 23 हो गया, 6, 6, 6, 12, 6, 6, 12, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, हाँ 23 पारा हो गया ख़त्म। कोशिश रही है कि जितने भी देखिए ये 6 रोज़ा तरावी जो चल रहा है, किन्हीं को तकलीफ ना हो, किन्हीं को शिकायत का मौका ना मिले, चाहे पानी हो, बाइक हो, बिजली हो, हर वक्त अलर्ट है हमारे वक्फ बोर्ड के सारे अमला कि अगर खुदा नखास्ते बिजली कट गई तो 1 सेकंड में जनरेटर स्टार्ट होगा, ये सारा ख्याल रखा जा रहा है। सारे वॉलंटियर हमारे ख़ासतौर से और कुछ पुलिस के अमले भी यहाँ मौजूद रहते हैं, यहाँ ख़वातीन भी तरावी की नमाज़ पढ़ती है, ये बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, तो उसे इस समय पटना ज़िले के इर्द गिर्द के लोग भी यहाँ तरावी की नमाज़ 6 रोज़ा तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अब पूरे पटना, तो ये थोड़ा सा रिकॉर्ड करके लाए थे, वहाँ के वक्फ बोर्ड के कोई थे, मुझे सही से पता नहीं है क्योंकि मैंने मोबाइल तो ले लिया, पूछा ही नहीं। तो वो वहाँ के फैसिलिटी के बारे में बता रहे थे, और वहाँ बहुत लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और आज हो गया सुबह सुबह, मौसम ख़राब, 5 मिनट बचा, 5 मिनट बचा, बचा रही पानी पीने। तो मैं जा रही हूँ पानी पीने के लिए। और तो कौन कौन सहरी में उठ रहा है और सहरी में क्या क्या खा रहा है कमेंट करके बताइएगा, और रमज़ान कैसा बीत रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का रमज़ान अच्छे से जा रहा होगा। वीडियो करती हूँ वहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, रमज़ान मुबारक।